लग जाती है उससे। हेलो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? होप आप लोग अच्छे होंगे। और अभी जो है शाम हो रहा है और वीडियो मैं अभी अभी जो है एडिट कर रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ा सा बातें कर लेती हूँ आप लोगों से, क्योंकि हम लोग गए थे कहीं पे घूमने के लिए। और एक दिन पहले जो है, अभी एक दिन पहले बोल रही हूँ, दो तीन दिन पहले जो है मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें हम कहीं घूमने के लिए गए थे और मैंने रोड का सीन दिखाया था, जिसमें बहुत सारे लोगों ने ये बोला था कि बहुत अच्छा लग रहा है, आपने हमें भोपाल दिखा दिया। घर बैठे दिल्ली से थे कुछ लोग, यहाँ तक कि पाकिस्तान से तक थे और इंडिया से बाहर से भी थे, और कुछ लोग यूपी तरफ के थे, भोपाल के भी थे। तो सभी लोग जो है इस तरीके से बोल रहे थे। उसमें से एक दो कमेंट जो थे, उसमें से एक दो लोगों ने ये बोला था कि आप रोड रोड क्यों दिखा रहे हो, मतलब रोड रोड क्यों दिखा रहे हो। तो अब रास्ते का सीन दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को, ये दिखा रही हूँ कि भाई भोपाल में किस तरीके से अभी जो है माहौल है। और उस दिन जो था संडे था, ठीक है, संडे के दिन मैंने वो वीडियो बनाई थी, बट मैंने उसको दो तीन दिन के बाद अपलोड करी थी। तो बस इसलिए मैं आपको दिखा रही थी कि हम लोग संडे दिन घूमने जा रहे हैं और ट्रैफिक कितना है। इसके अलावा वहाँ पे जो जहाँ पे हम लोग खड़े थे वहाँ पे रविंद्र भवन था, तो रविंद्र भवन था, तो मैं बताना उस वॉइस ओवर में बताना भूल गई थी, बस ये बोला था कि मैन चौराहा है, तो वो रविंद्र भवन के पास हम लोग खड़े हुए थे। तो मैं दिखा रही थी और वहाँ पे जो है बहुत सारे प्रोग्राम वगैरह होते रहते हैं, तो ये चीज़ें जो है कुछ लोगों को शायद बुरी लगी होगी। तो इसलिए मैंने सोचा आज का जो ब्लॉग है उसमें भी मैं आपको जो है हम घूमने गए थे, तो मैं बताऊं कि हम लोग घूमने ऐसे गए थे कि पहले गए थे मम्मी के घर। मम्मी के घर गई थी क्योंकि कुछ काम था। कुछ लोग बोल रहे थे कि दी आप जो है बहुत दिन से मायके नहीं गए हो, तो मायके जाओ, वहाँ पे ब्लॉग बनाओ, आपका नया नया मोबाइल भी आ गया है। तो भाई नया मोबाइल आ गया, मैं भी सोच रही थी कि चार पांच दिन के लिए मम्मी के घर जाएं और अच्छे अच्छे ब्लॉग शूट करें, लेकिन प्रॉब्लम यही हो जाती है, एक तो ट्राइपॉड टूट चुका है दोबारा से, अब मैं नया लेने वाली हूँ, उसको नहीं सुधारने वाली अब, ठीक है। दूसरी बात ये कि किट्टू जो है बहुत ज़्यादा परेशान करती है, तो वीडियो जो है बनाने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि वहाँ पे मोबाइल सिर्फ मेरा रहता है, वो गग्गा गग्गा मतलब काऊ काऊ करती रहती है, ठीक है। और मैं गई थी एक दिन के लिए, एक दिन रुकी थी मैं, लेकिन उस दिन जो है कुछ मेहमान आए थे जिस वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना पाई, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा हो जाता है कोई आ जाता है तो इस वजह से भी वीडियो नहीं बना पाई थी। दूसरे दिन हम लोगों को निकलना था, घर आना था, कुछ यहाँ पे भी क्योंकि काम है इसलिए, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है वहाँ का नहीं बनाया। लेकिन रास्ते में जो है हम लोग जहाँ पे खड़े थे पिछली बार जो है जहाँ गए थे हम वहीं गए थे, बट ये है कि इस बार हम लोग वहाँ पे उतर के बहुत इंजॉय किया, हम लोग ने मस्ती कर रहे थे, तो वही सब जो है आज आपको वीडियो में देखने को मिलने वाला है। तो मैंने सोचा पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों से बातें कर लेती हूँ, क्योंकि आप लोग शायद मुझे बहुत ज़्यादा मिस करते हो, क्योंकि आप लोग मुझे देख नहीं पाते हो, बात नहीं कर पाते हो ना, तो इसलिए मैंने सोचा मैं पहले बात कर लेती हूँ। तो चलिए अब आपकी भी हमने जो शिकायत थी वो दूर कर दी है, अब आप लोग वीडियो देख लीजिए और वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल को क्लिक कर लीजिएगा, इसके अलावा इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दी है। तो चलिए वीडियो देख लीजिए। जब हम लोग मम्मी के घर से निकल चुके थे और यहाँ से मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया है, जी हाँ, मम्मी के घर पे वीडियो नहीं बना पाई थी, तो मैंने सोचा चलो यहाँ से वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। अभी जो है आगे मैं आपको किट्टू और हमारी मस्ती दिखाऊंगी, तो वीडियो पे बने रहिएगा। यहाँ से जो है राइट हैंड में जो आपको रोड दिख रहा है जहाँ से गाड़ियाँ आ रही हैं, इस रोड से जाएंगे तो हम न्यू मार्केट जल्दी पहुँच जाएंगे, लेकिन अभी हम जाने वाले हैं घेर के, मतलब कि हमें जाना था कलियासोत, तो इस वजह से हम वहाँ जाएंगे। और कुछ लोग केरवा बोलते हैं, कुछ लोग कलियासोत बोलते हैं, तो सभी लोग अलग अलग तरीके से बोलते हैं, बट हम तो कलियासोत ही बोलते हैं क्योंकि हमारा घर यहाँ से बहुत पास में है और हम लोग इसको ना कलियासोत डैम ही बोल रहे हैं बचपन से, तो हम कलियासोत ही बोलेंगे। और यहाँ से देखिए, यहाँ से एंटर होते हैं, ऊपर लिखा हुआ है आप पढ़ो, जल एवं भूमि, मैं पढ़ नहीं पाई ठीक से, तो
यहाँ से हम लोगों का घर दिखता था पहले, अब नहीं दिखता क्योंकि अभी पेड़ वगैरह जो है ना ज़्यादा बड़े बड़े हो गए हैं। और पहले जो थे ना कि प्लान था यहाँ पे, और नीचे की तरफ जो है हमारा घर बना हुआ है, तो वहाँ पे पहले बिल्डिंग वगैरह जो है इतनी ज़्यादा नहीं बनी थी, तो हम लोगों के घर से जो है ये रोड पूरा क्लियरली दिखता था। तो हम लोग कब जब हम लोग बच्चे थे ना, तो हम लोग वहाँ खड़े हो जाते थे, गिनते थे कितनी गाड़ियाँ जा रही है, 1 2 3। उस समय ज़्यादा रोड भी नहीं चलता था ये वाला, तो ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं रहती थी यहाँ पे, तो हम लोग इक्का का ऐसे गाड़ियाँ जो निकलती थी ना उसको गिनते थे। जब मैं बहुत छोटी थी, जबकि बात करें फर्स्ट सेकंड क्लास में थी, तो इतना जो है अभी इतना सा मतलब अच्छा हो गया, पहले इतना अच्छा नहीं था, अब धीरे धीरे जो है बहुत ही प्यारा होते जा रहा है, हो चुका है और भी अच्छा होने लगा है ना। मतलब ये कहने का मतलब है कि अब भोपाल बदल रहा है भाई। तो यहाँ पे अब हम लोग कुछ देर रुकेंगे, और यहाँ पे देखो गाय खड़ी हुई थी, तो किट्टू गाय को देख के बड़ी खुश हो गई, और अभी जो है हम लोग वहाँ जाएंगे आगे। मैं इसको ब्रिज बोलूँगी हाँ, क्योंकि मैं ब्रिज जैसे ही बना हुआ है ना इसलिए। तो बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पे। हम लोग पहले ना मतलब बहुत आती थी, शादी से पहले मैं बहुत आती थी इधर पे अपने दोस्तों के साथ। हम लोग जॉब क्योंकि पास में ही था, तो यहाँ से यहाँ पे ना ऐसे आ जाते थे, बैठे रहते थे घंटों, बैठ के जो है हम लोग मस्ती करते थे, सेल्फी वगैरह लेते रहते थे, फ़ोटो। और अच्छा लगता है यार, सुकून लगता है ना, पानी की तरफ देखो। और अब तो ये लोहे का ये लग गया, पहले नहीं था ये, पता है, तो बैठे रहते थे ऐसे ही, बड़ा अच्छा लगता था। अब तो बहुत चेंजेस हो गया है, और मुझे लगता है मैं शादी के बाद पहली बार यहाँ पे आई हूँ। मतलब इसी रोड से कई बार गई हूँ, बट यहाँ पे शादी के बाद पहली बार आई हूँ। शादी के पहले तो ऐसा था कि मैं आती ही रहती थी, ऐसा नहीं, ऐसा हफ्ते में तो कम से कम 3-4 राउंड यहाँ पे हमारा लग ही जाता था। और अब आई हूँ, 3 साल हो चुका है तब आई हूँ ना, थोड़ा सा अजीब लग रहा है यहाँ पे खड़े होने में। तो ये देखो भाई पानी वगैरह कितना अच्छा लग रहा है देखने में, और सच में पुरानी यादें जो है ना ताज़ा हो गई थी आज तो। और यहाँ पे किट्टू की देखिए मस्ती चालू हो चुकी है, अब किट्टू जो है फुल टू जो है मस्ती के मूड में आ गई है। तो यहाँ पे किट्टू के पापा को जो है मैंने बोला वीडियो बना दो, ताकि थोड़ा सा मैं भी आप लोगों को दिख जाऊँ, तो वो कहते हैं रुको अभी। ये देखो किट्टू को देखो क्या पोज दे रही है, देखो दोनों हाथ चुके हैं कमर पे है, हाय बोल रही है आप लोगों को, हाय बोलो भाई। और कुछ लोग जो है यहाँ से आना जाना कर रहे थे, इस वजह से थोड़ा सा मैंने वीडियो यहाँ नहीं भी बनाया, क्योंकि लोग क्या सोचते हैं ना कि अपन फ़ोटो खींच रहे हैं तो वो रुक जाते हैं, बोलते हैं निकल जाएं। 2-3 लोगों ने ऐसे ही पूछा मुझसे, तो मैंने कहा भाई चलो ठीक है, अभी थोड़ा खाली हो जाए तब वीडियो बनाती हूँ मैं। और अच्छा भी लगता है यार सच में, बहुत ही प्यार से बोलते हैं कुछ लोग हैं ना। तो ये देखो यहाँ पे किट्टू की मस्ती, ये देखो कहाँ भग रही थी, वहाँ पे देखो खाली सा है, और डर लगता है ना बच्चे हैं एकदम से कहीं भाग ना जाएं और एकदम से गिर विर ना जाएं, तो इसलिए थोड़ा ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए जब किट्टू के पापा वीडियो बनाते थे तो मैं पकड़ती थी और मैं बनाती थी, तो वो हम उसको छोड़ नहीं रहते 1 मिनट के लिए भी, 1 सेकेंड के लिए भी नहीं, तो उसको भी बड़ा अच्छा लगता है। हम पार्क वगैरह जाते हैं या ऐसी जगह जाते हैं जहाँ उसको घूमने को जो है बहुत सारी जगह मिल जाती है ना, तो वो बहुत खुश हो जाती है। तो ये देखिए ये जो सीन है ना सच में बहुत ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पे किट्टू के पापा आ चुके हैं, किट्टू जो है ना हेयर बैंड बार बार निकाल रही थी, और मैं इसी चक्कर में जो है ना हेयर बैंड वगैरह नहीं लगाती हूँ। आप लोग बोलते हो किट्टू को आप हेयर बैंड नहीं लगाते हो, किट्टू हो आप अच्छे से नहीं काजल वगैरह नहीं लगाते हो, तो भाई काजल इसलिए नहीं लगाती हूँ क्योंकि वो अपना चेहरा बिगाड़ लेती है, तो वो और ज़्यादा जो है ना उसका चेहरा बेकार दिखने लग जाता है, तो इस वजह से काजल नहीं लगाती मैं उसको। दूसरी हेयर बैंड को निकाल निकाल के फेंक देती, मास्क तक फेंक रही थी हम लोगों ने, पता उसको थोड़ा सा डर आया उसको फिर लगा। तो अब यहाँ से देखो हम लोग आगे जा रहे हैं, अब अंदर जाएंगे, सूरज जो है डूबने लगा है, देखो शाम का टाइम हो चुका है, कितना प्यारा व्यू है सच में, कितना सुंदर लग रहा है सर। ये जो मतलब टाइम होता है ना तब बच्चा छोटा सा है और उसके साथ मतलब अपन ऐसे बाइक पे बैठ के जाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है मुझे, तो बहुत अच्छा लगता है। और मैं अभी किट्टू ज़्यादा छोटी हूँ, तो ज़्यादा कहीं घूमने नहीं जाती हूँ, आप तो बोलते भोपाल जैसी जगह में रहते हो आप, और आप कहीं घूमने नहीं जाती हो, तो क्या है कि हम पास में चले जाते हैं, जैसे ये हमारा रास्ता जो है आना जाना यहाँ से लगा रहता है क्योंकि मम्मी का घर है यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ तो हम घूम ही लेते हैं, लेकिन दूर जगह जाने में के लिए हमें सोचना पड़ता है। किट्टू
बहुत ज़्यादा गाड़ी पे परेशान करती है। तो यहाँ पे हम लोग देखो, अब मैं आपको 13 गेट दिखाने वाली हूँ, जो जबकि पानी ओवरफ्लो हो जाता है ना डैम का, तो यहाँ से गेट खुलते हैं, फिर पानी जो है हम लोगों का जो घर है उसके आगे की तरफ नहर बना हुआ है, उसकी वीडियो भी मैं ऑलरेडी आप लोगों को दिखा चुकी हूँ। अगर आप पुरानी वीडियो पे जाओगे ना तो देख सकते हो, मैंने बताया भी था कि जब गेट खोलते हैं तो यहाँ से पानी जाता है। देखो ये देखो गेट है, गिनो कितने हैं। किट्टू की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई थी, किट्टू बोल रही थी मुझे पीछे आना है, तो थोड़ी देर पीछे आई, फिर इसके बाद फिर वो आगे चली। तो वो यही करती है, कभी बोलती है मुझे आगे बैठना, कभी बोलती है मुझे मम्मा के साथ बैठना है, तो वो यही करती है पूरे रोड में। इस चक्कर में हम ज़्यादा दूर का सफ़र उसके साथ नहीं करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखो गौशाला पे आए हैं, कुछ लाए तो नहीं है यार अपन। खेत है पीछे देखो, खेत नहीं 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 उसको नहीं करो, हो गया चले डालो। सब उठ उठ के आ रहे हैं भैया, मेरे को डर लग रहा है। किट्टू आ चलो बैठो, आगे बैठो आगे बैठो। अरे यार कुछ लाएंगे खाने के। तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, और किट्टू का जाने का मन बिल्कुल भी नहीं था, वो चाहती थी कि यहीं पे बैठी रहे और गग्गा को देखती रहे बस। तो यहाँ पे देखो दो डॉगी भी घूम रहे हैं, और सब लोग जो है हमारी तरफ आने लगे थे, तो मुझे डर लगने लगा था। और एक तो कुछ खाने के लिए भी नहीं लेकर आए थे हम लोग, क्योंकि हम लोग सीधे घर से निकले थे और घर ही जाना था, और कहीं पर रुके भी नहीं थे ज़्यादा, तो कुछ ख़रीदा ही नहीं था। तो यहाँ पर ना वो गाय हमारे पास आ रही थी कि हम कुछ लेकर आए उनको खिलाने के लिए, तो हमें मालूम नहीं था कि हमें यहाँ रुकना है, वरना मैं ज़रूर लेके आती। नेक्स्ट टाइम जो है मैं कुछ लेके आऊँगी, यहाँ पे हम गायों को खिलाएंगे, और फिर भी आप लोग देखना। हाँ और अब बस अब हमारे घर की तरफ हम जा रहे हैं, और मम्मी के घर से जब हम जाते हैं तो कई बार जो है इस रास्ते से हम चले जाते हैं, बट रुकते नहीं है कहीं पे भी, सीधे निकलते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ये जो रोड है ना, कहते हैं शेर वगैरह का डर रहता है, इस वजह से मुझे बड़ा डर लगता है। तो गाइस बस यही था आज का वीडियो हमारा छोटा सा। देखो यहाँ पे देखो छोटे छोटे से खेत हैं, छोटे छोटे से घर बने हुए हैं, मतलब गांव गांव जैसा माहौल है इधर का, बड़ा अच्छा लग रहा है। और सच में यहाँ पे 2-3 बार जो है ना शेर आ चुका है, और एक बार तो पेपर में न्यूज़ भी आया था कि भैंस को जो है ना खाने वाला था, तो जो उनके मालिक थे भैंस के, वो आके डंडे वगैरह से पीट पीट के उसको भगाया था शेर को, इस टाइप से पेपर में न्यूज़ आई थी। रियल में ये चीज़ हो चुकी है, तो थोड़ा सा डर भी लगता है कई बार, जो ऐसे सड़कों पर जो है ना शेर देखने को मिले हैं यहाँ पर, तो इसलिए मेरे को बड़ा डर लगता है। तो चलिए गाइस ये था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।